गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेन क्लासेस। इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी, नेट इन द सेंट्रल इंडिया, सिचुएटेड इन राजनांदगांव। एजुकेन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एक प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टेट पीएससी, यूपीएससी और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिचुएटेड है। तो अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे एरिस्टोटल। आप लोग को ये पूरे वीडियोस, आप यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे एजुकेशन चैनल में, तो आप वहाँ पे जाके पूरे वीडियोस लाइन से हैं, तो पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं। एक एक वीडियो लाइन से मिलेगा। तो हम लोग आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिकॉज हमको भी ये समझना है कि भाई हमारे वीडियोस आप में क्या प्रॉब्लम लग रही है। तो आप कमेंट में जो भी अपने व्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लिख सकते हैं, और आपको पूरी पीपीटीज मिलेंगी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पूरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें, तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है ना। फिर आज की क्लास अपन चालू करते हैं एरिस्टोटल की। वेट अ मिनट, एक सेकेंड। सॉरी, माय माउस इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई। माउस अभी चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा ओके, तो विदाउट माउस यूज करते हैं। तो अपन लास्ट, हम लोग सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एरिस्टोटल। तो अब हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में, एरिस्टोटल हैं, डिसाइपल ऑफ प्लेटो हैं और टीचर ऑफ एलेक्जेंडर हैं। वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, प्लेटो को अपन बोलते थे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। अब इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे यही जो बेसिक था एरिस्टोटल के बारे में। फिजिशियन थे उनके फादर और वो थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर था। फिर एरिस्टोटल की फिलोसॉफी उनसे कैसे अलग थी ओके। और फिर उसके बाद अपन गोल्डन मीन, एपिस्टेमोलॉजी और टेलियोलॉजिकल। तो आज अपन टेलियोलॉजिकल का अपन लास्ट टाइम देखे थे, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैसे एरिस्टोटल यूज़ किए थे ओके। स्टेट कोइस्ट, एरिस्टोटल इज स्टेट कोइस्ट, ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका मतलब क्या था, एरिस्टोटल ने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। नंबर ऑफ मतलब एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उस केस में क्या हुआ था, एरिस्टोटल ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किए और उसके बाद उन्होंने ये बोला था इस तरीके से रिवॉल्यूशन नहीं होगा, इस तरीके से अपन रिवॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिवॉल्यूशन होता है। तो उनका मेन एम ये था कि जो सिस्टम चल रहा है सोसाइटी में, जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, मोनार्की है तो मोनार्की प्रिवेल करे, एरिस्टोक्रेसी है तो एरिस्टोक्रेसी प्रिवेल करे, पॉलिटी है तो पॉलिटी प्रिवेल करे। वो सबके डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, क्या क्या अंतर है सब में। तो एरिस्टोटल का ये, इसलिए स्टेटस कोइस्ट बोलते हैं एरिस्टोटल को, करके वो चाहते थे कि जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम है उसी सिस्टम के हिसाब से कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू काम होते रहे, इसलिए एरिस्टोटल को स्टेटस कोइस्ट बोलते हैं ना। फिर फंक्शनलिस्ट, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर थ्योरी ऑफ स्टेट और थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप लास्ट टाइम में हमने देखा था कि स्टेट एक ऑर्गेनिक है, कि प्राइमरी नीड फैमिली होती है, बायोलॉजिकल नीड, सोशियोलॉजिकल नीड सोसाइटी होती है, और फॉर फुल डेवलपमेंट एक ह्यूमन बीइंग को स्टेट चाहिए। फिर स्टेट के बारे में अपन ने देखा था, ये डायग्राम था। फिर इसके बाद अलग अलग फिलोसोफर्स स्टेट को कितना ज़रूरी मानते थे, कोई स्टेट प्राइमरी मानता था, कोई स्टेट सेकेंडरी मानता था, कोई नेसेसरी मानता था, नेसेसरी इविल मानता था, अननेसेसरी इविल। फिर हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देखा ठीक है। हम लोग ने देखा कि सिटीजनशिप इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी सी सिटीजन एज अ राइट ऑफ डिफरेंट काइंड, हम लोग वही डिफरेंट काइंड देखते हैं। फिर एरिस्टोटल क्यों ओल्ड एज को नहीं देते थे, क्यों स्लेव को नहीं देते थे, क्यों वुमेन को नहीं देते थे, क्यों चाइल्ड को नहीं देते थे, सिटीजनशिप ये हमने देखा था लास्ट टाइम ओके। फिर ग्रीक मेल को रहता था, फिर वो ड्यूटी के हिसाब से था, उनका काफ़ी कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड था। अब थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आप बोल सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से ही लिंक्ड क्वेश्चन आएंगे ओके।
तो अपन थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को एकदम डीपली डिस्कस करना है, और इसमें प्लेटो के कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करना है। प्लेटो में उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया अपने टीचर को, और उसके बाद उन्होंने कैसे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी लिया, फिर उससे कैसे कैसे उन्होंने अलग किया चीज़ों को, और कैसे उन्होंने एक क्या बोलते हैं जो गांधी जी का मॉडल था ट्रस्टशिप, उसको कैसे उन्होंने लाया, जिसको गांधी जी ने ट्रस्टशिप मॉडल बोला था। तो वो अपन पूरा लाइन से डिस्कस करते हैं। अब थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है आप समझ सकते हो। उस समय प्रॉपर्टी दो टाइप की चीज़ें, एक तो हो गई एनिमेट और एक तो हो गई इन एनिमेट। एनिमेट प्रॉपर्टी क्या होगा, जो स्लेव्स होगा, उस समय जो स्लेव्स होते थे, ह्यूमन स्लेव्स होते थे, उसको भी क्या बोला जाता था, प्रॉपर्टी बोला जाता था। मीन्स यू आर हैविंग 500 स्लेव्स, उसके पास 500 स्लेव है, यू आर हैविंग 1000 स्लेव, मतलब उसके पास वो ज़्यादा रिच है जिसके पास 1000 स्लेव, ये हो गया एनिमेट प्रॉपर्टी। ओके, एनिमेट प्रॉपर्टी मीन्स ह्यूमन स्लेव है ना, स्लेवरी। जैसे पुराने जमाने में इंडिया में भी किंग्स के पास स्लेव्स रहते थे जो हराम बोलती थी, किंग्स जो अकबर वगैरह के में हराम रहता था, वो हरेम बोलते थे इंग्लिश में, HARM, वो स्लेव्स रहते थे, उसमें कितने स्लेव्स हैं। तो इसीलिए अपन बोलते हैं एनिमेट प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ स्लेव्स। इन एनिमेट प्रॉपर्टी, इन एनिमेट प्रॉपर्टी मीन्स आज की प्रॉपर्टी, अपन बोलते हैं लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, गोल्ड हो गए, ज्वेलरीज हो गई, ये सब हो गए इन एनिमेट प्रॉपर्टी। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने दो टाइप से क्लासिफाई किया, पहले तो एनिमेट, इन एनिमेट प्रॉपर्टी, ये तो आपको इस समझ में आ गया, एनिमेट मतलब मैन, ये सब एनिमेट प्रॉपर्टी हो गई, और इन एनिमेट प्रॉपर्टी मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, सो इन एनिमेट प्रॉपर्टी है ना। अब लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी, अब लेजिटिमेट प्रॉपर्टी एरिस्टोटल ने बताया है, लेजिटिमेट प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी जो जेन्युइन सोर्सेस से कमाई गई है, मीन्स किसी को बर्न नहीं किया गया है, किसी को टॉर्चर नहीं किया गया है, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, वो प्रॉपर्टी होगी लेजिटिमेट प्रॉपर्टी। कोई करप्शन नहीं है, कोई किसी से इल विल नहीं है, कोई वो रॉबरी की प्रॉपर्टी नहीं है, चोरी से नहीं हुई है ना, इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन लेजिटिमेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी मतलब गलत तरीके से हो गई, मीन्स आप समझ सकते हैं गलत तरीके हो गए, स्टीलिंग हो गई, करप्शन हो गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर हो गया कि आप लेबर की सैलरी नहीं दे रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो गए, और क्या बोलते हैं फोर्जरी हो गया, बाकी जो भी क्राइम्स हैं वो इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी हो गई। और जो विदाउट क्राइम प्रॉपर्टी हो गई, जो लेजिटिमेट मीन्स से हो गई, जो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये मीन्स सही है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट प्रॉपर्टी, और जो गवर्नमेंट बोलती है जो मीन्स गलत है, उसको बोलते हैं अपन इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के दो डिस्टिंक्शंस आ गए, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट प्रॉपर्टी। ओके, सो एरिस्टोटल ने एनिमेट इन एनिमेट किया, फिर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट किया। अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, एरिस्टोटल के जो टीचर थे कौन थे, प्लेटो। तो प्लेटो ने बोला था थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, एरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो, उन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में ये बताया था, एक सेकेंड, उनका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, सॉरी कर्जर थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा सा बी क्वेश्चन से, है ना, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में उसने ये बताया था कि भाई किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, मतलब कोई रूलिंग क्लास के पास प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए। उसका रीज़न क्या बताया था, प्रॉपर्टी करप्शन करता है, प्रॉपर्टी गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, प्रॉपर्टी के लिए लोग उसी पे कॉन्सनट्रेट रहते हैं, और प्रॉपर्टी अगर रूलिंग क्लास को दे देंगे तो फिर वो एक सोर्स ऑफ करप्शन हो जाएगा उनके। ये इनके टीचर एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो ने बोला था, लेकिन अब क्या हुआ, एरिस्टोटल ने उसको वापस एनालिसिस किया जो उनके टीचर ने बोला था। देखिए कितनी ओपन माइंडेड है उस सोसाइटी में, कि आप टीचर को कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हो, और आप टीचर को कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे और इनोवेटिव चीज़ देंगे तो आपकी सोसाइटी बहुत अप्रिसिएट करेगा, जो आज की सोसाइटी में मिसिंग है। आज की सोसाइटी में अगर आप टीचर को कुछ गलत बोलेंगे या अपने सीनियर्स को कुछ गलत बोलेंगे तो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा आपके और सीनियर के बीच में। लेकिन देखिए कितना ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप कम्युनिज्म बोले कि किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। आज आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आज आपके पास मोबाइल है,
अब मैं आपको ये बोलूँगा भाई आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको हायर रेंज के मोबाइल दूंगा, अराउंड मीन्स आपके पास अगर 10,000 के है तो मैं 15,000 का मोबाइल दूंगा, 20,000 का मोबाइल दूंगा, है ना। आप अगर कोई रूम में रह रहे हैं तो आपको बेटर रूम मिलेगा अगर आप ज़्यादा पैसा देंगे। तो इसलिए क्यों होता है, ये मोटिवेशन है। मीन्स अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ लग्जेरियस हो जाएगी। तो एरिस्टोटल ने यही बोला कि प्रॉपर्टी एक तरीके से मोटिवेशन है लोगों को वर्क करने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी ही नहीं दोगे किसी में तो कैसे मोटिवेशन आएगा, उन लोग काम कैसे करेंगे सोसाइटी के लिए, है ना। तो सोसाइटी के लिए काम करने के लिए प्रॉपर्टी मस्त है, ये एरिस्टोटल ने बोला। क्या बोला कि भाई मोटिवेशन होता है। अगर आज जो एग्जाम्पल के लिए अगर आज अदानी जी हैं या अंबानी जी हैं या फिर बिल गेट्स, अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अगर मान लीजिए वो वर्क कर रहे हैं हार्ड वर्क लेकिन उनको उसके पीछे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, सिर्फ उनको वर्क करना है वर्क करना है, तो इतना नॉलेज वो जो उनके पास इतना टैलेंट है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने का वो आएगा नहीं। अगर उतना टैलेंट नहीं आएगा तो इतने ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इतने ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा R&D में डेवलप नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसलिए प्रॉपर्टी एक तरीके से मोटिवेशन है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टी रहना जरूरी है। किसने कहा, एरिस्टोटल ने, अपने जो टीचर है प्लेटो से अलग, ठीक है। अब इनने प्रॉपर्टी को टू टाइप से अलग क्लासिफाई किया था, इन्होंने थ्री सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। ये टू टाइप्स है जो पहले एरिस्टोटल ने दिया, फिर ये थ्री सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टी करके उन्होंने बोला प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी से नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो इन्होंने ये सबसाइड करने की कोशिश की। इसलिए इनके पास थ्री सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टी है। थ्री सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टी है, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, ठीक है, कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज एंड इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज, ठीक। अब क्या है इसमें, इसमें ये है कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, हैंडपंप है आपके एरिया में, कोई हैंडपंप हो, उसकी ओनरशिप किसके पास है, मैं सोसाइटी के हैंडपंप की बोल रहा हूँ, पर्सनल हैंडपंप की। अगर आपकी कॉलोनी में कोई हैंडपंप लगा हो उसकी ओनरशिप किसके पास है, पूरी कॉलोनी के पास है, ठीक है, तो वो हो गया कॉमन ओनरशिप। और उसको यूज़ कौन कर सकते हैं, कॉमन यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, उसकी ओनरशिप किसके पास है, पूरी सोसाइटी के पास है, यूज़ कौन कर सकती है, पूरी सोसाइटी यूज़ कर सकती है। तो उन्होंने एक मॉडल ये दिया कि भाई कॉमन ओनरशिप होगी, सब सबका होगा और सब सब यूज़ कर सकते हैं, ये एक पहला मॉडल हो गया। अब दूसरा मॉडल क्या हुआ, कॉमन ओनरशिप बट इंडिविजुअल यूज। मान लीजिए ये हो गया कि पूरी सोसाइटी की हैंडपम्प है, ठीक है, और उसको कोई एक आदमी ही यूज़ कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो उन्होंने यही बोला, ये प्रॉपर्टी टाइप को सेकेंड टाइप की, कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज पॉसिबल नहीं है। कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज जो एंशियंट टाइम से चल रहा था वो हो गया कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है और ये सबसे ज्यादा प्रिविलेंट है। अब कॉमन ओनर मतलब सबसे ज्यादा प्रिविलेंट तो इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। और ये हो गया कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज, ये पॉसिबली नहीं है। आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किसी कॉमन की रहेगी और यूज़ कोई एक करेगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वही बोला कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज इज नॉट पॉसिबल। अब तीसरा आया इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज, ठीक, इसको अपन डिटेल में देखेंगे और आपको ज़्यादातर इसी के बारे में लिखना है, इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ही मतलब उनको प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, जो रईस लोग हैं मान लीजिए अदानी है या फिर अंबानी है, मैं एग्जांपल जो आज के प्रिवलेंट है मैं उन्हीं का एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो उनका ही प्रॉपर्टी, अब उनका ये कहना था एरिस्टोटल का कि जो रईस लोग हैं उनको सिर्फ प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी रखना है, उनको प्रॉपर्टी का एज अ ट्रस्टी रखना है, उनको केयर करनी है, मेंटेनेंस करना है, और वो प्रॉपर्टी सबके लिए रहे करके, मैन एक सोशल एनिमल है। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उनका कहना ये था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो रईस लोग हैं वो एक ट्रस्ट जैसा रखें, ठीक है, उसको पूरा कैप्चर ना करें, ठीक है, उसको एज अ ट्रस्ट जैसा रखें, और जब और वो जो गरीब है
उनकी बेटरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, है ना, उनको करके। मैन एक सोशल एनिमल है, अगर वो सोसाइटी को नहीं करेगा, अगर वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए आप कोई सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी सोसाइटी आप रह रहे हैं उसमें। अब आप इकलौते रिच आदमी और पूरी सोसाइटी में गरीब है, तो क्या होगा एक समय के बाद? एक समय के बाद ये होगा कि आपके जो हाउस होगा उसमें सब अटैक कर लेंगे और पूरी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्टील कर देंगे। यही होगा, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लेंगे खाना? आप ही की प्रॉपर्टी से लेंगे या पर्सनल प्रॉपर्टी से लेंगे? एक सिचुएशन है मान लीजिए, है ना। तो उसी केस में क्या होता है, कॉमन ओनर्स, इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज में ये बोला फ्लैट एरिस्टोटल ने, सॉरी, है ना, एरिस्टोटल ने ये बोला कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है तो सबको दीजिए, ठीक है, उसका यूज सबको रहना चाहिए, आप एक ट्रस्टी के जैसे रहे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी में, जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फ्रिक्शन होते हैं, जो रिवोल्ट होते हैं, जो रिबेलियन होती है, जो क्या बोलते हैं, रिवोल्ट होता है कैपिटलिस्ट और क्या बोलते हैं लेबर क्लास के बीच में, वो नहीं होगा। तो इनका ये कॉन्सेप्ट है, एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, है ना। और इसी से इंस्पायर होके गांधी जी का जो ट्रस्टशिप मॉडल है, अगर आप कभी भी गांधी जी का ट्रस्टशिप मॉडल लिखेंगे तो आप एरिस्टोटल के ये इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज को आपको लिखना जरूरी है ना। और वैसे ही अगर आपने एरिस्टोटल का लिखा तो हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी के बारे में, गांधी जी का भी ये मॉडल था और गांधी जी इनसे हाईली इंस्पायर्ड थे, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। और इसी को अपन बोल सकते हैं वेलफेयर स्टेट और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, एक सेकेंड, अब इसमें से अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहा थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, एरिस्टोटल एक फंक्शनलिस्ट थे। अब फंक्शनलिस्ट क्या होता है, पहले आपको ये बताता हूं। फंक्शनलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो जैसा चल रहा है उस पर स्टडी करे और उस पर चेंजेस दे और उस पर जो पॉजिटिव चीज़ है उसको बेटर करे। एग्जाम्पल ये हो गया कि फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या हो गया, फंक्शनलिस्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डेमोक्रेसी चल रही है ना, डेमोक्रेसी में अभी बहुत ज़्यादा लॉज हैं और लॉज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ह्यूज मसल पावर और मनी पावर ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब एरिस्टोटल एक फंक्शनलिस्ट है मान लीजिए, और वो डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी को स्टडी कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि भाई हम ऐसे करें कि हम ये लॉ लगा दें, हम हर चीज़ का क्या बोलते हैं अकाउंट ट्रांजिशन करें, हम ऐसा करें जिससे मनी पावर और मसल पावर ख़त्म हो जाएगा। तो फंक्शन को समझ के, फंक्शंस को अप्लाई करके, फंक्शंस में मॉडिफाई करने को बोलते हैं हम फंक्शनलिस्ट, है ना। उन्होंने यही थ्योरी लगाई थ्योरी ऑफ स्लेवरी में, मतलब उन्होंने पहले पूरे ग्रीक में जो स्लेवरी चल रही थी पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व, और जब उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे स्लेव्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मास्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने दोनों को ये सोचा कि भाई ऐसा करेंगे तो स्लेव्स बेटर पोजीशन में आएंगे, ऐसा करेंगे तो मास्टर्स बेटर पोजीशन, तो उन्होंने दोनों के पॉजिटिव निकाले, दोनों के नेगेटिव निकाले, फिर उसको बोला फंक्शनलिस्ट, उसको फिर स्टडी किया और उसके बाद उसमें से इम्प्रूवमेंट के लिए थ्योरी दी, उसको बोलते हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अब एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी में दो टाइप की थी, स्लेवरी बाय नेचर एंड स्लेवरी बाय लॉ। अब इसमें इन्होंने पहला ये बोला एरिस्टोटल ने स्लेवरी बाय नेचर में, दोज वर नॉट मास्टर्स बाय नेचर एंड डिस्टिंक्ट ऑफ ओबेइंग लॉस। मतलब जो, देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ, दो टाइप के स्लेव्स हैं। एक तो आपको ये बता, पहले मैं आपको ये बताया था कि जो मास्टर्स रहते हैं और स्लेव रहते हैं, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, मास्टर्स वो रहते हैं जो एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, और स्लेव्स के पास वो मेंटल एबिलिटी नहीं रहती जो डिसीजंस ले सके, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने बोला कि जो भाई एबिलिटी टू टेक डिसीजंस है वो बहुत फ्यू के पास रहती, और जो नहीं रहती वो उनके इंस्टिंक्ट रहता है कि कोई डिसीजन ले हम उनको सिर्फ ऑबे करें, ठीक है। उनको बोलते हैं स्लेवरी बाय नेचर, जो जिनके पास वो इंस्टिंक्ट नहीं है जो डिसीजन लेने की। अब दूसरे स्लेव्स ये हो गए कि भाई उस समय वॉर्स बहुत होते हैं, है ना, तो मान लिया एथेंस और स्पार्टा का वॉर हुआ, अब स्पार्टा उसमें से लॉस हो गया, मतलब स्पार्टा लॉस दैट बैटल, उस बैटल में जो हारेंगे
ठीक है, उनको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर जो विनिंग कंट्री है वो ले लेता है, तो उसको बोलिए लिए स्लेवरी बाय लॉ। और वो स्लेवरी बाय लॉ तो आप समझ सकते हैं कि उनको जितनी पनिशमेंट रहेगी या जो एग्रीमेंट रहेगा वो कंट्री के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर स्लेवरी आप उनको भी बोल सकते हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया और उनको स्लेव की सज़ा मिली, तो वो स्लेवरी बाय लॉ हो गया। अब स्लेवरी बाय नेचर आपको समझ में आया कि भाई जो पर्सन है जिनका इंस्टिंक्ट नहीं है जो डिसीजन ले सके उनको उन्होंने स्लेव बोला, ठीक है। अब वो स्लेव हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अब वो ही बोले कि स्लेव भी जरूरी है और मास्टर्स भी जरूरी है। अब स्लेव क्यों जरूरी है? स्लेव इसलिए जरूरी है करके इकोनॉमिक सिस्टम में हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। अगर वो इकोनॉमिक सिस्टम में हार्ड वर्क करेंगे और वो इकोनॉमिक जनरेट करेंगे तो मास्टर्स फ्री रहेंगे पॉलिटिकली इंगेज होने के लिए दूसरे चीज़ों में, ठीक है। अब मास्टर्स की क्या यूटिलिटी है? मास्टर्स को फ्री टाइम मिलेगा, लीजर टाइम मिलेगा, पॉलिटिक्स में प्रिवेल करेंगे, साइंस में प्रिवेल करेंगे, इकोनॉमिक्स में प्रिवेल करेंगे और अपनी सोसाइटी को आगे ले जाएंगे। और स्लेव उनके डे टू डे वर्क करेंगे, उनके क्या बोलते हैं फॉर्म्स को देखेंगे, उनके कैटल्स को देखेंगे, ये स्लेव का काम होगा। और इससे मास्टर्स को ये फायदा, अब स्लेव को क्या फायदा हो गया? स्लेव अगर मास्टर्स के साथ रहेंगे तो उनसे उनको ज्ञान मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, उनसे उनको खाना मिलेगा, उनसे उनको फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, तो उनसे उनको ये फायदा हो गया। तो इसलिए ये थ्योरी ऑफ स्लेवरी उनके लिए बेस्ट है। लेकिन उन्होंने ये सब तो उस समय का प्रिवेलेंट सिस्टम था, उन्होंने इसको डिफाइन किया और इसके पॉजिटिव्स लिख दिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्होंने बोला मास्टर्स को कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, अगर आपका जो स्लेव है उसकी इतनी मेंटल एबिलिटी आ जाती है कि वो डिसीजन ले सके, वो अच्छा काम कर सके और उसको भी एक मास्टर बनने का, अगर मतलब वो अगर मास्टर बन के बहुत अच्छी सोसाइटी का वर्क करे तो उसको आप फ्री कर दो और उसको मास्टर बना दो और उसको भी कुछ स्लेव्स दे दो, इस टाइप का एरिस्टोटल ने बोला था। तो अपन ये बोल सकते हैं दो थ्योरी, अब आप थ्योरी ऑफ स्लेवरी आया तो हमको कहाँ से क्या लिखना है? अगर यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो उसमें ये लिखना है कि भाई पहले थ्योरी ऑफ स्लेवरी कैसी थी, पहले प्रेजेंट सिस्टम लिखना है ना। फिर दूसरा क्या लिखना है? पहले प्रिवेलेंट सिस्टम लिखना है स्लेवरी, फिर स्लेवरी बाय नेचर लिखना है, फिर स्लेवरी बाय लॉ कैसे डिफाइन किया ये लिखना है, फिर स्लेवरी स्लेव्स कौन रहते हैं ये लिखना है, फिर स्लेव्स की यूटिलिटी क्या रहती है इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रहती है, फिर मास्टर्स के लिए क्या रहती है, स्लेव्स के लिए क्या रहती है। तो हमने इकोनॉमिक सिस्टम में बोला इकोनॉमिक सिस्टम में जो पॉलिसी मेकिंग रहेगी वो मास्टर्स करेंगे, जो एक जो काम करना है ग्राउंड लेवल पे वो स्लेव्स करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम्स में अगर मास्टर्स का काम स्लेव करेंगे तो मास्टर्स फ्री हो जाएंगे अपने काम के लिए जो पॉलिटिकली इंगेज हो सकते हैं। यूटिलिटी फॉर द मास्टर्स, मास्टर्स को क्या बोलते हैं मैनुअल अगर काम नहीं करना पड़ेगा तो फ्री हो जाएंगे, उनका वो टाइम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। और स्लेव्स की यूटिलिटी क्या है? उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, उनको एक एक एजुकेशन मिलती है जिससे वो डेवलप करे, एक्सेल करे, और अगर वो एक्सेल हो जाते हैं तो बाद में मास्टर्स की ये बेसिक ड्यूटी है कि उनको फ्री करें और उनको मास्टर बनाए और उनको सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक पार्टिसिपेंट, दो स्लेव भी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन एक मास्टर बन के सोसाइटी का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं इनकी ये थ्योरी उस टाइम के हिसाब से बहुत रिवॉल्यूशनरी थी, जो स्लेव्स को फ्री करने के लिए और एक मास्टर्स को एक मतलब एक डिक्टेट कर रहा है कि आपको स्लेव को फ्री करना है इफ ही विल अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज एंड कैपेबिलिटी टू लीड दी सोसाइटी, ठीक है। ये हो गया इन मॉडर्न टाइम्स, अपन इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन अपन ये भी बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन। देखिए अब ये लास्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अपन ने थ्योरी ऑफ जस्टिस जो प्लेटो में देखा था वो बहुत वाइड स्प्रेड था कि तीन टाइप के सोल रहते हैं, ये सोल है, फिर ये सोल ऐसे एक्ट करता है, फिर उसमें तीन टाइप की कैपेबिलिटी रहती है ना। एरिस्टोटल ने देखो दो टाइप की जस्टिस होती है, ठीक है, एक तो होती है जो अपन वो देते हैं क्या बोलते हैं जस्टिस, रिफॉर्मेटिव जस्टिस। रिफॉर्मेटिव जस्टिस जो कोर्ट से होती है, ये होती है वो होती है, वो एरिस्टोटल ने पहले डिफाइन किया। फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ये बोला कि हमको इट इज अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वल्स अनइक्वली एंड इट इज अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ? जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट करना है, जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल ट्रीट करना है।
है ना। अब इनकी सोसाइटी जो थी वहां पे एक्सट्रीम इनइक्वलिटी ना रहे सोसाइटी में उनके लिए थी, ठीक है। ये तो अपना बेसिक हो गया। आप मान लीजिए एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस आया, तो पहले आपको इन्फॉर्मेटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट, पहले आपको प्लेटो से चालू करना है, ठीक है। करके इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस में बहुत कम है, मतलब इसके पॉइंट्स बहुत कम है ना। तो इसमें आपको पहले उनसे चालू करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डेलिब्रेट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना है, अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करना है। इसका मतलब ये हुआ है ना, मतलब जो अनइक्वल्स रहेंगे इनको इक्वल ट्रीट करना गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहे हैं, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में रिजर्वेशन है ना, वो क्या एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं उसको एक तरीके से। तो वो क्यों दिया गया, बिकॉज देयर इज अ इनजस्टिस इन अवर सोसाइटी फ्रॉम द एजेस, ओके। उस एजेस इनजस्टिस को रिमूव करने के लिए, अगर आप उनको एक्स्ट्रा एफॉर्मेटिव एक्शन, मतलब एक्स्ट्रा अगर आप उनको कुछ दे नहीं रहे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, तो उस केस में क्या होगा, उनकी वो इनजस्टिस, मतलब उनकी इनइक्वलिटी एक समय के साथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और सोसाइटी में एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना। और एक अगर उनको इक्वल बेंचमार्क दें तो पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक बेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई दो इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। दो सेम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हैं, जिसका सेम इकोनॉमिक स्टेटस है, जिसका सेम सोशल स्टेटस है, उनको इक्वली ट्रीट करो। लेकिन किसी का सोशल स्टेटस कम है और किसी का ज़्यादा है तो उसको अनइक्वली ट्रीट करो, है ना। उन्होंने ये कहा, तो उनका आज के सोसाइटी से कंप्लीट ऑपोजिट व्यू पॉइंट था। आज के सोसाइटी में क्या होता है, हम जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको हम ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, जिससे वो इक्वल हो जाए हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन उनका ये ऑपोजिट था, वो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे थे और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कम बेनिफिट दे रहे थे, तो उनका ये था। लेकिन ये अगर आप एक बेसिक फिलोसॉफी देखोगे तो आज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है ना। ठीक है, इतना ही अपने को एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब नेक्स्ट क्लास में अपन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, वो छोटी सी क्लास होगी। अब मैं हर क्लास को अराउंड 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स डालूंगा, बिकॉज रिव्यूज़ आ रहे थे कि सर क्लास को थोड़ा सा कम करके 30 मिनट्स कीजिए और सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए। तो अब 30 मिनट्स की क्लास डालूंगा और अपन ये कंटिन्यूअस रोज एक क्लास आएगी, तो आपको इसका वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को अपन जून तक कंप्लीट कर लें, है ना। अगर बाद में ज़रूरत हुई तो रोज़ दो क्लास भी डाल देंगे अप्रैल के बाद, मई में। तो कोशिश करेंगे कि जून में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस जून तक आपका पूरा कंप्लीट, है ना। तो अगेन आज हमने थ्योरी ऑफ स्लेवरी देखी, है ना, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस देखी, ठीक है। उसके पहले अपन ने देखा था थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज हमने तीन थ्योरी देखी एरिस्टोटल की, है ना, और बेसिक जो भी था एरिस्टोटल को कंप्लीट किया। देन थैंक यू ऑल, ओके।